साइड में सर राइट मुंह पे फेस राइट लाइट फेस पे रखना अंदर राइट ला अंदर राइट ला राइट ला लाट खेलने क्या क्या अंदर अरे मैच खेलने क्या क्या वो कुछ नहीं अच्छी क्या रखते हैं कानन को बोलो अच्छा रहे खेलेगा अभी काम के लिए घर ले ला ना कि ले लगे जाए आई थिंक जाए रहे बॉक्सी बॉयज की अरे बस रे बस क्या लगा तेरा पीछे रहने का पंक्चर है मैं इधर ही हूँ कैलाश भाई इधर बेटा ए बेटा बच्चे यहाँ पे कैलाश जी सामने में होली खेलने के लिए बच्चा यहाँ पे बच्चा अल्लाह आनंद पच्चीस आदमी लेके आ गए दस बारह हमको दे देना कबीर कबीर आना आइए कैलाश जी देखिए कमाल कमाल बैटिंग है कमाल कमाल हुआ है कमाल हुआ है कमाल हुआ है अरे सब जी मेरे अरे वो यहां सब फुटबॉल को लेकर पागल हो रहे हैं हम बीच में क्रिकेट इधर से शुरू कीजिए हमारी इधर से ऐसे यहां पे यस यहां पे राइट साइड थोड़ा कम हो आते आते चलिए जी हो गया काम बंदी में चल रहा है कर गया लग जाते हैं सर इधर राइट में
सर यहाँ पे सेंटर सर हाँ यहाँ पे भाई सर अरे कुछ ले आ बैट बैठा है हाथ में बैट दो अरे बैट वगैरह दो कुछ सर और बॉल भी दो बॉल भी दो अरे अरे कोई बा खेल रहा था मैं बेटा इधर ही है भाई टॉस कर लो सर टॉस अपने सर अरे एक मिनट अरे सर आनंद सर एक बार रुको अरे सर 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 हाँ यहाँ कैमरा तो वहीं होगा ना अंदर क्या करेंगे इधर बोलना इधर टीम के साथ भैया अरे क्या कर रहा है क्या देना उड़ा दिए हम बैटिंग करें अरे पिच खराब कर दिया सर पिच खराब हो रहा है नीचे बैठ जाना नीचे बैठ जाना थोड़ा पीछे 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 थोड़ा पीछे आगे का पीछे आगे मत जाओ हमें आगे का को ये आगे मत जाओ हां बस अरे अरे लाट थोड़ा आगे चलो लाट अरे यार लाइट नहीं मिल रहा अरे बाकी चैंग 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 सर चैंग चैंग काम 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 रहता नहीं क्या चैंग कैलाश सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि आपकी पहली फिल्म है किस तरह की फिल्म है क्या कुछ किरदार है आपका कौन सी फिल्म की बात कर रहे हो पहले अच्छा तो हेट स्टोरी में मैं एक फोटोग्राफर का रोल कर रहा हूँ बहुत ही स्वीट सा कैरेक्टर है और इस पूरे फिल्म में रिवेंज मुझसे ही शुरू होता है मेरे वजह से शुरू होता है सो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है प्लस गाने बहुत अच्छे हैं जो अभी आज ही रिलीज़ हुए हैं आज फिर तुम पे प्यार आया है अरिजीत सिंह ने गाया है सो लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है लोग काफ़ी यू नो काफ़ी एक्साइटेड है इस फिल्म से लेकर सो वेरी हैप्पी विद दैट जैसे कि आपने बताया कि रिस्पांस काफी अच्छा मिला और ट्रेलर पे भी मतलब अभी तक काफी लाइक्स मिल चुके हैं बिल्कुल और काफी मतलब केमिस्ट्री भी सबको पसंद आ रही है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोगों को आपकी केमिस्ट्री पसंद आ रही है थैंक यू सो मच अभी केमिस्ट्री पे तो हम मेहनत करते नहीं है वो तो यू नो इनबिल्ट हमारे जिंदगी में रहती है तो वी आर एक्टर्स एंड आवर जॉब इज टू यू नो क्रिएट केमिस्ट्री
इन ऑल द वेज. सो चाहे वो कोई भी एक्ट्रेस हो, आपको अपनी केमिस्ट्री हर एक के साथ जोड़नी पड़ती है. सो गुड दैट लाइक यू नो एज अ क्या कहते हैं रोमांटिक बॉय, लोगों ने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया है. एंड आने वाली फिल्म जो है देसी कट्टे, उसमें मुझे एज अ एक्शन हीरो देखेंगे. सो काफ़ी अच्छा है कि मैं काफ़ी डिफरेंट रोल्स कर रहा हूँ. हाँ जी, उन्होंने देखा है. प्लस शी वॉज द वन हु एक्चुअली टोल्ड मी टू डू दिस मूवी. एंड क्या कहते हैं, उन्हें ये गाना बहुत पसंद आया है. शी इज़ रियली हैप्पी विद द सॉन्ग एंड द वे इट्स बीन शॉट. सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड. बट उन्होंने पूरी फिल्म नहीं देखी है, बिकॉज शी सेड लाइक यू नो एज अ ऑडियंस आई एम गोइंग टू बी वॉचिंग द फिल्म इन द थिएटर्स. राइट, इट्स अ ग्रेट फीलिंग. कहते हैं ना कि आप कुछ डिसाइड नहीं करते ज़िंदगी में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है. मैंने ये हेट स्टोरी करीबन 8 महीने पहले शूट करके यू नो इट वॉज डन. सो रिलीज़ का कुछ पता नहीं चला था कि कब हो रहा है. एंड सडनली साइड बाय साइड मैं दूसरी भी फिल्म जब कर रहा था देसी कट्टे, अब वो भी रेडी हो गई रिलीज़ के लिए और ये भी रेडी हो गई रिलीज़ के लिए. सो आई एम फीलिंग लाइक अ स्टार राइट नाउ, बिकॉज एक मंथ के गैप के अंदर मेरे दो फिल्म रिलीज़ हो रही है. 18 जुलाई को द हेट स्टोरी एंड 28 अगस्त को देसी कट्टे. सो कहते हैं ना एक एक्टर ही यू नो एक बहुत बड़ा एक्टर ही ऐसे दिन देख सकता है कि बैक टू बैक मंथ बाय मंथ उनके फिल्म रिलीज़ होती है. सो आई एम हैप्पी दैट लाइक यू नो माई बोथ द फिल्म्स आर कमिंग इन यू नो इन 1 month's गैप. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. टू बी रियली फ्रैंक, मैं टीवी बहुत पसंद करता हूँ. आई लव एंकरिंग एंड आई लाइक टू एंटरटेन पीपल. आई एम एन एक्टर एंड एन एंकर. तो अभी एंकरिंग तो फिल्म्स में कर नहीं सकते, तो बेसिकली टीवी इज द ओनली मीडियम वेयर यू नो आई कैन शो माय एंकरिंग स्किल्स आल्सो. एंड पीपल लव मी एज अ एंकर अलॉट. सो आई डोंट वांट कि मैं अपना एक टैलेंट को पीछे कर दूँ टू शो माय अदर टैलेंट. सो या बट यू नो 21st ऑफ दिस मंथ इट विल बी द लास्ट टाइम पीपल आर गोना बी वॉच यू नो सीइंग मी ऑन टीवी. उसके बाद एक काफ़ी गैप आने वाला है, बिकॉज उसके बाद क्या बोलते हैं कोई लैंड अप नहीं है एज एज एंकर. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग मच ऑन टीवी. सो मैं फिल्म्स में आऊँगा और फिल्म्स के बाद वापस शायद मैं फिर आप मुझे देखेंगे एंकरिंग करते हुए. देखिए हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ क्या कहते हैं ये करके, बिकॉज थोड़ा बहुत यू नो रिलैक्स का भी एक हम बहुत टाइम से ये शूटिंग कर रहे हैं देसी कट्टे के लिए और ब्रेक कभी मिला नहीं. उस बीच में हम लोग बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ जाके शूटिंग किए हैं, लेकिन हमेशा हम कहते थे यार थोड़ा चिल्ड आउट करते चिल्ड आउट करते, लेकिन कभी हुआ नहीं. सो दिस इज़ अ नाइस वे कि हम थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें. एंड फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, रिलीज़ के पास में है. सो रियली हैप्पी दैट आज पूरी टीम साथ में आई है मैच खेलने के लिए. थैंक यू सो मच. अन्ना क्या कहेंगे, पूरी तरह से तैयारी करके आए सामने वाली टीम को हराने के लिए? नहीं नहीं नहीं, सामने वाली टीम ने पूरी तैयारी करके आए हो हमें हराने के लिए, लेकिन फन मैच है. और इससे देसी कट्टे है वर्सेस ऑफ कोर्स कैलाश जी की टीम है, तो म्यूजिक वर्सेस द रेस्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी, तो अच्छा ही है. सर ये पूछना चाहूंगा, सबसे पहले शुरुआत आप कहां से कर रहे हैं, बैटिंग से कर रहे हैं बॉलिंग से? हमें बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं. आई थिंक टॉस हारे हम लोग, तो आनंद जी को फील्डिंग करने का मौका मिला. अन्ना इंक्लूडिंग मी, यहाँ पे कई सारे मीडिया वालों ने आपको कहा कि आप हमें कब लेने वाले हैं, तो हम लोग को नेक्स्ट मैच रखना ही चाहिए. इससे क्या हो जाता है, इससे एक रिलेशनशिप भी बनती है और मज़ा भी आता है. तो आई थिंक आनंद को मैं आज ही बताऊंगा कि हमें खेलना चाहिए और एज सून एज पॉसिबल खेले. बारिश भी आएगी तो आई थिंक उससे पहले ही खेलना चाहिए. तो मतलब कहा जा सकता है जल्द ही बॉलीवुड वर्सेस मीडिया फटर्निटी होने वाला है. एब्सोल्युटली. आप तो काफी समय से अलग अलग तरह के लोगों की कप्तानी कर चुके हैं, इन लोगों की कप्तानी को अलग अलग तरीकों की है ना? अलग अलग टीम्स की आप कप्तानी कर चुके? नहीं नहीं, यहाँ मैं कप्तान नहीं हूँ, यहाँ कप्तान ऑफ द शिप जो है वो आनंद ही है जो डायरेक्टर भी है. तो वैसा ही होना चाहिए, कप्तान ऑफ द फिल्म शुड बी द कप्तान ऑफ द टीम. ऑफकोर्स मुंबई हीरोज़ का मैं कप्तान हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सीनियर हूँ और सीनियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पेक्ट देते हुए मुझे कप्तान बनाया गया. बाकी ऐसे नहीं है कि मैं टैलेंटेड हूँ सबसे ज़्यादा क्रिकेट में, इसीलिए. कुछ विशेष रणनीति है आपकी आज यहाँ? हाँ, पहले तो बॉल दिखाई दे
तो डबल चश्मा लगा के निकलूंगा बाहर, क्योंकि यहाँ बॉल नहीं दिखाई दे रहा, और दूसरी तो ये टेनिस बॉल है तो ये सीजन बॉल जैसा है ही नहीं, मारते वक्त संभालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो एक शॉट मारने से बॉल उछल जाता। मेरी रणनीति ये है कि बॉलिंग नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कंधा इसमें दुखने लगेगा तो कहीं मुश्किल ना हो जाए। आपकी अभिनेत्री भी शामिल होगी यहाँ पे? मेरी अनफॉर्चुनेटली अभिनेत्री है नहीं पर्सनली फिल्म में, लेकिन जय और जय के साथ जो अभिनेत्री है, जो मेरी बहन का किरदार निभा रही है साशा, आई थिंक खेलेगी नहीं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ है, सबको इनकरेज करना। चीयर लीडर्स को बुलाया आपने यहाँ? हेलो कैमरा, जब आप लोग हो तो चीयर लीडर्स की क्या जरूरत है? नहीं, नहीं, देखिए बजट छोटा है, छोटी फिल्म में, बहुत बड़ी फिल्म नहीं, इसलिए चीयर लीडर्स नहीं बुलाया हमने। पर आपका होना ही सबसे बड़ी बात होती किसी फिल्म में, तो फिर चीयर लीडर्स इसलिए नहीं है। फिर श्रीमान अमिताभ बच्चन को महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया, विभिन्न किसान और कृषि से जुड़े उत्पादनों का वो प्रचार प्रसार करेंगे, आपकी कोई? आई थिंक ये भारत के लिए होना चाहिए था, क्योंकि अगर इंडिया का एक फेस है जो फेस यूनानिमसली फॉर ऑनेस्टी, फॉर स्ट्रेंथ, फॉर एवरीथिंग, यू नो, किसी भी क्षेत्र में आप देखें, अमित जी को आप आज टेलीविजन को लीजिए, या फिल्मों को लीजिए, या कमर्शियल्स को लीजिए, या उनकी जो एनर्जी है वो देखेंगे, तो आई थिंक इंडियाज़ ब्रांड एम्बेसडर शुड बी अमिताभ बच्चन, क्योंकि दुनिया में कहीं भी जाओ आप जर्मनी में हो, स्विट्जरलैंड में हो, कहीं भी हो, तो बॉलीवुड बोलते ही वो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन, तो आई थिंक ही शुड बी द फेस ऑफ इंडिया। उसी तरह से आप भी किसी क्षेत्र को अपने रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स कर्नाटक को, मैं कर्नाटक का हूँ, तो हमेशा ये चाहूँगा कि कर्नाटक को रिप्रेजेंट करूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑफ कोर्स मेरी जन्मभूमि कर्नाटक है, कर्मभूमि महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र हैज़ प्रोग्रेस ट्रिमेंडसली यू नो ऑल दीज ईयर्स। कर्नाटक मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निगलेक्टेड है, और सबसे खूबसूरत बीचे हो, टेम्पल्स हो, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, तो वो कर्नाटक, खाना हो, एब्सोल्युटली मंदिर, यू नो, रिलीजियस प्लेसेस आर द बेस्ट देयर। आई थिंक कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि कर्नाटक इंडिया और वर्ल्ड मैप पे आए। किसी खास खेल को बढ़ावा देना चाहेंगे? हम देख रहे हैं विभिन्न अभिनेता, देखिए कबड्डी को अभिषेक, कबड्डी से अभिषेक जुड़े हुए हैं, टेनिस लीग हो रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं ये सरकार, जो नई सरकार आई है, कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि कर्नाटक टेनिस लीग हो रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं ये सरकार, जो नई सरकार आई है, वो भी स्पोर्ट पर अगर ध्यान दे तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे IPL हो, आई थिंक ये IPL सबसे बेहतरीन IPL रहा है, तो मुझे लगता है कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, सारे स्पोर्ट्स को अगर बढ़ावा दिया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक ऑल्टरनेट करियर का ऑप्शन मिलता है, और एडुकेशन में भी कहीं ना कहीं अगर एक्सेल करते हैं बच्चे स्पोर्ट्स में, तो 5%, 6%, 7% जो भी सरकार को सही लगे वो घोषित करना ही चाहिए। व्यक्तिगत रूप से सुनील शेट्टी किसको मतलब अपना खुद प्रमोट करना चाहेंगे, खुद आगे बढ़ के नया शुरू करना चाहेंगे, ऐसा कोई स्पोर्ट? मैं हमेशा हॉकी से जुड़ा रहा, तो चाहूंगा कि हॉकी से जुड़कर हॉकी को बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद चारों, शुक्रिया 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 शुक्रिया। रोलिंग वन सेकेंड, क्या रोल? आकृति जी, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, यहाँ पे मैच हो रहा है सिंगर और देसी कट्टे के बीच में, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा और किस तरह, किसके साथ हो आप? मैं दोनों टीम्स की तरफ हूँ, मैं बोल नहीं सकती कौन जीतेगा, बट आई थिंक द होल स्पिरिट इज नॉट अबाउट जीतना या हारना या कौन जीतेगा या कौन हारेगा, इट्स अबाउट एवरीबडी कमिंग टुगेदर, टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम देयर बिजी स्केड्यूल्स एंड डूइंग दिस थिंग फॉर द लव ऑफ इट। आई थिंक देयर सो मच लव बिटवीन एवरीबडी, मैदान में इतना ग्रेट एनर्जी है, यू नो, एवरीबडी इज लविंग द फैक्ट दैट सब लोग अपना यूजुअल रूटीन में से टाइम निकाल के एवरीबडी इज कमिंग हियर एंड प्लेइंग क्रिकेट फॉर द फन ऑफ इट। ऐसा नहीं है कि यार मैं तेरी ऐसी वैसी करके रहूँगा या मैं तेरे को आउट करके रहूँगा, वो नहीं है, फॉर द होल स्पिरिट आई थिंक इट्स ग्रेट। हमने देखा कि आपको भी क्रिकेट खेलनी थी, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, बैटिंग करना है, बॉलिंग करना? मैं तो नहीं बाबा, मेरे क्रिकेट मेरे बस की नहीं है, मैं स्पेक्टेटर ही अच्छी हूँ, तो मैं बस बैट पकड़ के थोड़ा पोज कर सकती हूँ, मेरे को खेलना मिलना नहीं आता है।
और यहाँ पे अगर खेलने का मौका मिले तो क्या खेलना पसंद करोगे, बैटिंग या बॉलिंग? वॉचिंग। क्या आकृति जी, नेक्स्ट आपको पूछना चाहूँगा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, आप क्या करने वाले हो? 7th of June को रिलीज़ हो रहा है हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया का पहला गाना जो सैटरडे सैटरडे है, तो उसमें वो मेरा अगला गाना है एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। एंड देर इज़ अनदर सॉन्ग इन द सेम मूवी कॉल्ड देंगर देंगर, और देसी कट्टे में ही एक और गाना है जो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन बाय कैलाश सर, सो आई एम होपिंग दैट्स अ ड्यूट विद कैलाश जी। देसी कट्टे का दो लाइन गुनगुना देता हूं, सरप्राइज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्यारह लोग हैं अपने पास।